ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी तिवल का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया, वहीं उन्होंने अमृता अस्पताल के मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ आज यहां किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायक मौजूद रहे। दो दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सक विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान कोविड बाद हेल्थ के मामलों में सामने आई चुनौतियों और भविष्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतियां तय की जाएंगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बाबत क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। दो विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं, तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। दो दिन का सेमिनार और इसमें मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं, हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए, एक ESI का मेडिकल कॉलेज वो भी एक साल पहले ही खुला है, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है, और एक ये मेडिकल कॉलेज माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज जिसका उद्घाटन हुआ, ऐसे 3-3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं, तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।